बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा दुर्गे, टेक्निकल इंजीनियर एट gogoeven.com में आज आप सभी का gogoeven.com में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल बाइसिकल के स्पीड कंट्रोलर के बारे में। मैं आज आपको जो कंट्रोलर रहता है, जो आपका हब मोटर जिसके कमांड पे चलता है, उसके बारे में मैं आज बात करूँगी। कंट्रोलर में दो टाइप्स के कंट्रोलर रहते हैं, एक रेगुलर कंट्रोलर रहता है और एक ऑटो प्रोग्रामेबल कंट्रोलर रहता है। जो ऑटो प्रोग्राम का जो कंट्रोलर है, उसमें आपका जो बैटरी रहता है वो डिटेक्ट करता है आपके कंट्रोलर को। लाइक आपका बैटरी 36 वोल्टेज का रहेगा तो आपका कंट्रोलर 36 वोल्टेज पे रन करता है। आपका बैटरी 48 वोल्टेज का रहेगा तो आपका कंट्रोलर 48 वोल्टेज पे रन करता है। रेगुलर कंट्रोलर में जो आपका कंट्रोलर रहता है वो ड्यूअल मोड का कंट्रोलर रहता है। लाइक वो 36 और 48 वोल्टेज पे रहता है। आपका वैसे ही कि आपका बैटरी आपको 36 वोल्टेज पे रन करना है तो आप 36 वोल्टेज का बैटरी लगाओ। आपको 48 पे रन करना है, हाई स्पीड चाहिए तो आप 48 का बैटरी लगाओ। इसमें जो कनेक्शंस आते हैं वो लाइक 3 स्पीड मोड का कनेक्शन रहता है। इसमें हाई, लो, मीडियम, ये 3 मोड्स रहते हैं स्पीड्स के। लाइक आपको लो स्पीड पे चलाना है तो आप लो स्पीड पे आपका कनेक्शन कर सकते हो। आपको हाई स्पीड में चाहिए तो हाई में कर सकते हो। आपको मीडियम स्पीड चाहिए तो आप मीडियम में कर सकते हो। देन इसमें आता है एंटी थेप कनेक्शन। एंटी थेप कनेक्शन एक आपके बाइसिकल को लॉक अनलॉक करता है, और आपके बाइसिकल को किसी ने टच किया तो वहाँ से एक अलार्म बजता है। इसके ये एंटी थेप की वजह से आपका बाइसिकल सिक्योर रहता है, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। देन इसमें पेडल असिस्ट कनेक्शन आता है। पेडल असिस्ट मीन्स आप जब पेडलिंग करते हो, नॉर्मल पेडलिंग करते हो, तो उसके ऊपर एक प्रेशर आता है। लेकिन पेडल असिस्ट कनेक्शन लगाने के बाद ये जो प्रेशर रहता है वो नहीं रहता है, वो सॉफ्टली पेडलिंग करता है। देन इसमें एक ABS सिस्टम आता है। लाइक ये ब्रेकिंग सिस्टम है आपके हब मोटर को, मीन्स आपके इलेक्ट्रिकल बाइसिकल को ब्रेक का एक कनेक्शन रहता है। आपका जो हब मोटर है उसको विद इन सेकेंड में इसका करंट कट ऑफ करता है, इसके लिए कनेक्शन रहता है। देन इसमें एक बैटरी कनेक्शन आता है, आपके बैटरी के लिए एक कनेक्शन रहता है। देन इसमें एक थ्रोटल्स कनेक्शन रहता है, आपको जो रेस करते हैं स्पीड के लिए, जो आप एक्सीलरेटर यूज़ करते हो तो उसका एक कनेक्शन रहता है। देन इसमें एक 3 फेस के 3 वायर्स रहते हैं, 3 स्पेड फेस रहते हैं। रिवर्स फंक्शन का एक कनेक्शन रहता है, बट आपको कनेक्शन करना है नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। आपको रिवर्स के लिए रिवर्स करना है बाइसिकल तो ये कनेक्शन आप यूज़ कर सकते हो। देन इसमें हॉल सेंसर का कनेक्शन आता है। हॉल सेंसर का कनेक्शन मीन्स आपका हब मोटर को वो पूरा जो इसमें जो मैग्नेटिक्स रहते हैं तो जो वाइंडिंग्स रहते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हॉल सेंसर्स रहते हैं तो उसका वो कनेक्शन रहता है। सो ये सारे जो है ये कंट्रोलर के कनेक्शंस हैं। सो आपको और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बाइसिकल के कंट्रोलर के बारे में, उसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको और उसमें और चाहिए और, तो आप हमारा जो वेबसाइट है www.gogoeven.com वहाँ पे जाके विज़िट करो। वहाँ पे एक पेज आता है कंट्रोलर का, तो वहाँ पे आपको सारे कंट्रोलर्स मिलेंगे। तो 250 से लेके 500 तक कंट्रोलर्स है बाइसिकल के लिए जो यूज़ किया जाता है। सो आप वहाँ पे जाके विज़िट करो, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। gogoeven.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। gogoeven वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। gogoeven एजुकेशन सिस्टम बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर। gogoeven रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर किसान और इन्वेंटर की जान। gogoeven इंक्यूबेशन सेंटर बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद सा
खरीदार। गोगो एवं ओडीएम और ओडीएम सप्लायर, ब्रांड आपका, आईडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। गोगो एवन, राइड इनटू द फ्यूचर।